पहले संक्षेप में आप परिचय दीजिए। मैं मऊ जनपद का ही निवासी हूँ और ये मऊ सदर विधानसभा जो है, हमारा घर इसी विधानसभा में पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है मिलियाडी, विजय प्रताप सिंह हमारा नाम है। अभी ऐसा क्या लगता है 2022 का मिशन क्या है? मिशन तो 2022 का मिशन, हर राजनीतिक दल के लोग मिशन के बारे में बोल रहे हैं कि मिशन 2022, यह मिशन राजनीति पार्टी के लिए 2022, कांग्रेस का भी मिशन 2022 है, भारतीय जनता पार्टी का भी 2022 है, और जो भी राजनीति करने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे लोगों का यह मिशन 2022 है। अभी देखा जा रहा है कि चुनाव आते ही जैसे दारा सिंह और अन्य भी नेता लोग जो है बीजेपी छोड़कर जो है सपा का दामन थाम लिया, ऐसा क्या मजबूरी पड़ा कि ये लोग? ये तो जो दूसरे दल में लोग हैं वो लोग इसको बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर ये लोग चुनाव लड़े और 5 बरस तक ये चुनाव लड़ के विधायक रहे क्षेत्र में, और एक कैबिनेट मंत्री थे दारा सिंह चौहान के बारे में, जितना इनको 5 बरस में करना चाहिए ये 5 बरस में कुछ भी नहीं कर पाए। अगर क्रिकेट का खिलाड़ी कोई है और वो मैदान में जाता है, वो बहुत रन नहीं बनाता है, 10 ही रन बनाता है तो कम से कम दर्शक कहते हैं कि चलिए भैया 10 रन बनाए, अगली बारी ये 20 रन बना देगा या ये शतक मार सकता है। ये समाज में बात जो प्रतियोगिता होती है उसमें लोग कहते हैं ना कि इस बार चूक गया, 10 रन बनाया, लेकिन दारा चौहान जैसा विधायक और कैबिनेट मंत्री ये 5 बरस के अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किए। जिस तरह से खिलाड़ी रन आउट हो जाता है, एक भी रन नहीं बनाएगा और आउट हो गया, उसी तरह से दारा चौहान 5 बरस में आउट हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पर समीक्षा कर चुका था कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम टिकट देते हैं तो ये विधायकी भी नहीं बचा पाएंगे। ये भागे नहीं है, इनको भाजपा ने भगाया नहीं है, न किसी ने बुलाया है, इसलिए भग गए हैं कि इसमें हमको टिकट भी नहीं मिलेगा और मुँह करिखा लग जाए, इस करिखा को बचाने के लिए वो अपने आप